तीन लोगों के लिए श्रीमती रेखा गौतम जी, साधना मेहता जी और माता जी का सबका साधुवाद। होली को उत्सव घोलक का ये पर्व हमने बनाया है और इसमें लिखा है वासंती नव सस्तिष्ठी होली को उत्सव पर्व। वासंती वसंत ऋतु में आने वाला नव, नव माने नया, सस्य सस्य माने अन्न और इष्टि इष्टि माने यज्ञ। नव सस्य इष्टि, नव सस्य इष्टि, नव माने नया, सस्य माने अन्न और इष्टि माने यज्ञ, नए अन्न से किए जाने वाला यज्ञ वह पर्व है होली और होली को उत्सव। आज पूरे भारत देश में जहां होली का दहन होगा वहां बहुत लोगों के द्वारा एक कहानी सुनाई जाएगी, होली का किस प्रकार से दहन हुई और कौन थी होली का। और ये जो प्रचलित कहानी हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में चल रही है वह कहानी महा ये जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण इसमें लिखी है और कहानी हिरण्यकश्यप से शुरू होती है। हिरण्यकश्यप एक राजा है और ये अपने शासनकाल में सामान्य तरीके से राज्य कर रहा है। इसकी एक बेटी है और एक बेटा है, बेटी है नहीं बेटी नहीं बहन है, हिरण्यकश्यप की बहन है जिसका नाम है होलिका। और प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप का बेटा है। हिरण्यकश्यप जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता है, दुनिया भोग भौतिकवादी दुनिया का व्यक्ति है, ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन जो घर में बालक पैदा हुआ है उसको कुछ समाज की व्यवस्थाओं से, कुछ समाज के लोगों ने या फिर कुछ अंदर से प्रेरणा संस्कार रहे होंगे जिसकी वजह से वो ईश्वर की आराधना में बहुत स्नेह करता है, भगवान को मानता है और पिता भगवान को मानते ही नहीं। ऐसा बालक जो भगवान की बहुत ज्यादा आराधना करता है तो पिता इसका विरोध करता है। जो भागवत पुराण में कहानी है वही सुना रहा हूं, सच्चाई का वर्णन बाद में करेंगे। वह बालक ईश्वर भक्त, ईश्वर का नाम जपता है, राम राम जपता है और हिरण्यकश्यप मना करता है कि नहीं मैं हूँ सर्वे सर्वा, जपना है तो मेरा जाप कर मेरे नाम का, या फिर मुझे ही सब कुछ मान और कोई नहीं है मानने वाले, ये पिता कहता है। लेकिन ये नहीं मानता। कहानी है पिता प्रहलाद को मारने का यत्न करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन होता है, नहीं मानता है बालक तो उसको मारने के लिए, मारने के लिए जो लिखा हुआ है उसको एक पहाड़ से ऊपर से डाल दिया और मरा नहीं, बच गया, भगवान ने बचा लिया। किसको? प्रहलाद। फिर मारने का यत्न किया, एक जगह बंद कर दिया, बहुत सारे जहरीले सर्पों को उस बंद कमरे में या जाल में भेज दिया और प्रहलाद को अंदर, पर सर्पों ने प्रहलाद को नहीं काटा और प्रहलाद वहां भी नहीं मरा। बहुत यत्न किया उस बाप ने, प्रहलाद मरता ही। तब बहन बोली भैया मैं, मेरे पास ऐसी तकनीक की एक चादर है जिसको ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मुझे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होगा, अग्नि से मैं जलूंगी नहीं, और मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ जाती हूँ, मैं बच जाऊंगी और वो जल जाएगा। और ऐसा ही होता है, बहुत बड़ी अग्नि जलाई गई और उसमें ये अपनी चुनरी को ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। लेकिन हुआ क्या, चुनरी उड़ गई और उड़ करके प्रहलाद के ऊपर लपट गई और प्रहलाद बच गया और होलिका जल गया। और उसके बाद प्रहलाद तो जिंदा ही जिंदा है, बाप मारना चाहता है,
बाप और प्रहलाद और बाप यानी हिरण्यकश्यप की आपस में बात होती, तो प्रहलाद बोलता है वो ईश्वर तो कणकण में वास करता है, तो हिरण्यकश्यप बोलता है इस खंभे में भी वास करता है, कि हाँ इस खंभे में ही भगवान है, तो है तो दिखा। वहां से खंभे से नरसिंह का अवतार होता है, नरसिंह जो नीचे से तो नर है और ऊपर से शेर है, और इस हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला हुआ है, तेरे को ना तो सुबह को मरेगा ना दिन में मरेगा ना रात को मरेगा, तेरे को कोई ना दिन में मार सकता है ना रात में मार सकता है, ना बाहर मार सकता है ना भीतर मार सकता है, ना कोई ऊपर मार सकता है ना कोई नीचे मार सकता है, ऐसा है हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ ब्रह्मा जी से, ये कहानी है। अब और ना कोई नर मार सकता है और कोई ना जंगली जानवर मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। अब खंभे से नरसिंह का अवतार हुआ, और नरसिंह के अवतार ने जब हुआ तो हिरण्यकश्यप को नरसिंह के नाखूनों से फाड़ करके मार दिया, ना बाहर मारा ना भीतर, देहरी पर मारा, देहरी पर घर की देहरी पर मारा, ना बाहर ना भीतर, ना रात को मारा ना दिन में, सांझ को मारा, संधि सभा सांझ को मारा, ना सिंह ने मारा ना नर ने मारा, दोनों का मिक्स था उसने मारा, और ना किसी हथियार से मारा, ना अस्त्र से मारा, ना किसी औजार से मारा, शस्त्र से मारा, ना कुनों से फाड़ दिया। ये कहानी भागवत पुराण में लिखी हुई है, और इसी के नाम से होलिका दहन होता है, और आज तक होलिका दहन हो रहा है। चिंतन करते हैं तसल्ली से थोड़ी, हम लोग विचार करते हैं, एक पाप आज वर्तमान में बहुत पतन हो रहे हैं, आज के समय पर ऐसा कौन सा पाप होगा जो अपना बच्चा चाहे कितना भी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला हो जाए, अपना बेटा, सगा अपना बेटा, चाहे पैसा भी हो जाए, कितना व्यसनी हो जाए, शराब पीने लगे, मांसाहार, व्यभिचारी, सब कुछ कर कुकर्म करने वाला हो जाए, फिर भी इतने पर भी कोई आज का पिता अपने बेटे को मारना चाहेगा? क्यों जी? नहीं मार सकते। मान लेते हल करना है तो मान लेते हैं कि हो सकता है कि बाप ने अनुमति दे दी मारने की। अरे बाप ने अनुमति दे दी तो क्या ऐसी कोई बुआ हो सकती है जो अपने भतीजे को मारने को तैयार हो जाए? सोच के देखिए, ऐसी कोई बुआ हो सकती है जो अपने भतीजे को अग्नि में लेकर के बैठने के लिए तैयार हो जाए? कोई बुआ ऐसी नहीं संभव है जो अपने भतीजे को लेकर के मारने को तैयार हो जाए। और आगे बढ़ते, ये भी मान लीजिए बुआ भी तैयार हो गई और अग्नि में बैठी, और ऐसा कौन सा योग बना के वो जो चादर लपेटी उसने ऐसे लपेटी होगी, पीछे से ला करके आगे से ऐसे लपेटी होगी जैसे सॉल ओढ़ रखती है, और वो गुड़ करके कैसे पहला भी लपेटी लिया? मतलब एक कहानी, उस कहानी के कहीं तो हाथ पैर होने चाहिए, कहीं तो सिर पैर होने चाहिए, जिस कहानी को कैसे भी थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति मानने को तैयार तो हो जाए। नहीं मानी जा सकती। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद कौन है उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, और होलिका कौन है? बाले हमने अभी यज्ञ में प्रयोग की थी, शब्दों पर ध्यान देना, जो छिलका है चने के ऊपर वो है होलिका, चने के दाने को जिसने कवर किया हुआ है वो क्या है? होलिका। और अंदर जो दाना है वो है प्रहलाद, जो अंदर दाना है वो क्या है जी? प्रहलाद। और उसको अग्नि में भूना तो क्या जला? होलिका जली। क्या जला? होलिका जली। क्या रह गया, बच गया? क्या प्रहलाद रह गया? प्रहलाद, अहलाद, प्र विसर्ग विशेष उपसर्ग है और अहलाद शब्द है, प्रहलाद में अहलाद शब्द है, और विशेष अहलाद जिसको खा करके विशेष आह्लाद प्राप्त हो व्यक्ति को, वो है प्रहलाद। और आज की ऋतु जो चल रही है, इस ऋतु में अधपका अन्न को खा करके व्यक्ति प्रहलाद आह्लाद को प्राप्त करता है, आनंद सुख को प्राप्त करता है, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, इसलिए
होलिका दहन यानी होलक की तैयारी करनी, होलक होना और उनको खाना, वो है होलिका दहन। लेकिन धर्म संस्कृति के इस त्योहार को विकृत किया गया इतिहास की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से किया गया। कोई परंपरागत चीजों को निभाते आए, आज भी चल रही है परंपराएं, लेकिन त्योहारों की व्यवस्था एक मर्यादा है, त्योहारों की व्यवस्था एक सम्मान है। आज जहां नारी जाति के प्रति इस त्योहार में इतनी अश्लीलता भर दी गई है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अपने परिवार की माँ बहन बेटी को आप किसी पड़ोसी के घर होली खेलने नहीं भेज सकते, ऐसा समय पैदा हो गया, समय इतना जहरीला पैदा हो गया कि आप कितना भी विश्वास पात्र व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना ही धर्म की उसने चादर को ओढ़ रखी हो, ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति के घर भी एक जवान बेटी पत्नी को माँ को पड़ोसी के घर होली खेलने नहीं भेजा जा सकता। कहाँ जा रहे हैं हम? ये मान मर्यादाएं जो नष्ट भ्रष्ट हो रही हैं, निश्चित ही ये त्योहारों की होली जल रही है, ये त्योहार नहीं है। सच्चे अर्थों में प्रहलाद था, आनंद था, आपस में प्रेम का, स्नेह का, सम्मान था। क्या सम्मान था? लक्ष्मण और सीता का आपस में सम्मान। जब पर्वत के ऊपर कहते हैं कि पहचानो लक्ष्मण आभूषण सीता के हैं क्या, लक्ष्मण कहते हैं ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, भैया राम मैं कान के कुंडल नहीं पहचान सकता, मैं मांग में जो भरा हुआ केयूर है मैं इसको नहीं पहचान सकता, मैं पहचान सकता हूँ तो मुझे बिछुए दिखाओ, बिछुए जो पैर में पहनती माँ सीता, बिछुए दिखाओ, उनको देख करके मैं जरूर पहचान सकता हूँ क्योंकि मैं रोज माँ सीता के चरण स्पर्श करता हूँ। ये आदर्श रहा इस देश का। लेकिन आज देवर और भाभी के नाम पर इतनी अश्लीलता इस समाज में परोसी गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे ज्यादा फेसबुक वर्ड्स में मजाक आ रहे हैं इसी चीज को लेकर, एक माँ के समान दर्जा जिस संस्कृति ने भाभी को दिया था उसके साथ ये त्योहारों की पवित्रता जो खत्म हो रही है, त्योहारों की पवित्रता पुनः स्थापित करने के लिए पूरी धरा पर जब अंधकार में त्योहारों का ये बोलबाला चल रहा था उस समय महर्षि प्रवर देव दयानंद ने आकर के हमको सही रास्ता, सही त्योहार मनाने का एक विधान दिया, एक व्यवस्था दी। पुनः जिस प्रकार से महापुरुष मनाते थे वैसे ही, लेकिन तो हम भी कहीं ऐसे ही त्योहार मना रहे होते जिस कहानी को मैंने बताया उस कहानी के तहत ही। जो ऋषि दयानंद की बड़ी कृपा हुई जिन्होंने हमको इस त्योहार का सही नैतिक नाम शारदीय वासंती नव सत्येष्टि पर्व हमें बताया, नहीं तो हमें कहां पता था, किसको पता होता। तो ऋषिवर की कृपा हुई जिसकी वजह से हम सबको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषि की जितनी गुणगान महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। गुलाल इस समय बहुत रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, बहुत ज्यादा धरती पर पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा फूलों को खिलने का समय है ये, और फूलों के रंगों में से रंग लेकर के उन रंगों से एक दूसरे के ऊपर पवित्रता के साथ है जी, पवित्रता के साथ, सौहार्द के साथ, जिससे आह्लाद हो, जिससे आनंद हो, जिससे आपस में भाईचारा स्थापित हो, जिससे प्रेम और प्रीति स्थापित हो, ऐसे त्योहारों को मनाने की आवश्यकता प्राचीन काल की व्यवस्था में थी और आज भी है। हमको वैसे ही त्योहार मनाने चाहिए। एक भजन गाते मिलकर के सौम्य और सूर्यास्त, भाई ये थोड़ा सा गुलाल रखा है, सबके तिलक लगाएंगे ठीक है, क्योंकि तिलक तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, चंदन करके, चंदन तो है नहीं है, ये गुलाल है तो बात की, गुलाल से लगा लेंगे और फिर फूले, फिर फूल भी सबको देंगे और फूल एक दूसरे के ऊपर बरसा करके और होली की शुभकामनाएं आपस में आप व्यक्त करेंगे। पहले मिलकर के गाओ मेरे साथ में भजन, और भजन गाएंगे और उसके साथ ताल में ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे, बहुत अच्छा भजन है। बच्चे ही मेरे साथ में गाकर के मिलकर गुनगुनाएंगे और आप सभी लाइन को दोहराना, आप सबको निश्चित ही आनंद आएगा। बहुत सुंदर कवि ने लिखा क्या, ताल में ताली सब लोग बजाइए। होली है जी होली
कवियों के टोले हैं रंग बिरंगी होली।
युवकों की टोली है रंग बिरंगी होली, होली है जे होली है रंग बिरंगी होली। एक बार अभी अंतिम लाइन को आप ताल में अच्छे से भवन मिलकर के गाएंगे और ताल बड़ी सुंदर है और उस ताल के साथ में आप सब इस अंतिम लाइन को और मिलकर के आप गुनगुनाइए, आप सबको निश्चित ही आनंद आएगा। और गाइए होली है जे होली है रंग बिरंगी होली, होली है जे होली है रंग बिरंगी होली, पर्व मनाने निकले होली पर्व मनाने निकले, नवयुवकों की टोली है रंग बिरंगी होली, होली है भई होली है रंग बिरंगी होली, होली है भई होली है रंग बिरंगी। ईश्वर देव दयानंद आए ईश्वर देव दयानंद, आकर सोए शेर जगाए आकर सोए, ईश्वर देव दयानंद आए ईश्वर देव, आकर सोए शेर जगाए आकर सोए, सतगुरु पथिक सत्य का नाद बजाया, पथिक सत्य का नाद बजाया, खून झूठ की खोली ये रंग बिरंगी होली, खून झूठ की खोली है रंग बिरंगी होली, होली है भई होली 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 रंग बिरंगी होली, होली पर्व मनाने निकली होली पर्व मनाने निकली, नवयुवकों की टोली है रंग बिरंगी होली, होली है भई होली है रंग बिरंगी होली, होली है भई होली है रंग बिरंगी होली, होली है भई होली रंग बिरंगी होली, होली है भई होली बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अभी शांति पाठ करेंगे एक बार और एक बार सब लोग सामूहिक फोटो भी खींचेंगे। चलो आनंद आया क्या सबको? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी शांति पाठ कर लेते हैं और प्रसाद लेकर के जाए सब लोग। समय हो गया पूरा, 11 बजे का समय दिया था हमने, काम करने 11 बजे। प्रसाद हलवा और छोले की व्यवस्था है बढ़िया, सब लोग हलवा छोले प्रसाद। ओम शांति शांतिराप शांतिषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की, महर्षि गुरुवर ब्रजानंद की, महर्षिदेव दयानंद की, धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो, वेद की ज्योति की ज्योति दर्शन करिए।